गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हमारा जीएसटी पोर्टल है और उसके अंदर जो टैक्स कंपैरिजन का टूल है, उसकी लोकेशन तो वो चेंज कर दी गई है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को आ रही है, इसके अंदर जो डेटा आ रहा है बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लाइबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डेटा है उसको मैच करने में काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि फिगर्स जो हैं वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। क्या कारण है इस फर्क का, क्या कारण है इस चेंजेस का, वो आज आपको बताने वाला हूं। ये मैंने ओपन करा है 2021 का जो हमारा टैक्स कंपैरिजन टूल है। वो सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड एंड ड्यू ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया था और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है, तो पहले ये वाला टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ करता, अब ये वाला टेबल भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्लेम किया है, तो वो आप टेबल नंबर 4 में ना चेक करें, इसे आप टेबल नंबर 5 में चेक करेंगे। दूसरी चीज, जो हमारा नॉर्मल आईटीसी है और उसका जो टेबल नंबर 4 है, इसके अंदर काफी लोगों को दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे पहले फिगर्स कुछ और आया करता था, अब फिगर्स जो है वो कुछ और ही दिखा रहा है। क्या कारण है, आइए समझते हैं। सबसे पहला टेबल है हमारे पास आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B ड्यूरिंग द मंथ। इस टेबल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, जो हमारा 3B का रिटर्न है और उसके अंदर जो टेबल नंबर 4 है, उस टेबल नंबर 4 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज क्रेडिट, वो सारा का सारा आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी एंड सेस के अंदर अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। लेकिन आईटीसी जो ऑटो ड्राफ्ट हो रहा है, इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस है वो समझिए। आईटीसी ऑटो ड्राफ्टेड इन जीएसटीआर 2A ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑब्लिक जीएसटीआर 2B एज पर टेबल बी टू बी अमेंडमेंट क्रेडिट डेबिट नोट क्रेडिट एंड डेबिट नोट अमेंडमेंट एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स 2A के साथ साथ 2B का डेटा जो है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट हम लोगों को अवेलेबल करवा दिया गया है। तो जून 2020 तक जो ये डेटा आपको यहां पर दिखेगा, वो दिखेगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। और 2A का कौन सा डेटा, 2A का वो डेटा जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में दिखता है। मैं आपको एक बार 2A का डेटा जो है पार्ट ए और पार्ट बी वो दिखा देता हूं। ये मैंने ओपन कर लिया है रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर सपोज मई महीने का रिटर्न हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चेंजेस है ये जुलाई 20 ऑनवर्ड्स किया गया। 2A का पार्ट ए बात करता है बी टू बी इनवॉइसेस की, क्रेडिट एंड डेबिट नोट की, अमेंडमेंट टू बी टू बी इनवॉइसेस एंड अमेंडमेंट टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। साथ ही साथ पार्ट बी जो हमारा आईएसडी क्रेडिट्स है एंड अमेंडमेंट टू आईएसडी क्रेडिट्स, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को मिला करके आपका जो कंपैरिजन टूल है वो जून 20 तक ड्राफ्ट हो रहा होगा। अब जुलाई ऑनवर्ड्स जो चेंजेस किए गए हैं उसमें आपको समझना बेहद जरूरी है कि जीएसटीआर 2A के बेसिस पे नहीं बनेगा। ये जुलाई ऑनवर्ड्स जो फिगर्स आएंगी, ये आएंगी आपका जीएसटीआर 2B के बेसिस पे। देखिए सर, यहां लिखा इन्होंने जीएसटीआर 2B का कौन कौन सा टेबल, टेबल B2B जिसमें B2B इनवॉइसेस हैं, B2B अमेंडमेंट वाले इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट वाले इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट अमेंडमेंट वाले इनवॉइसेस जो है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अंदर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला आईटीसी जो है वो नहीं आएगा, जबकि जून तक आपका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का भी आईटीसी जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो पहला फर्क आपका आईएसडी की वजह से रह सकता है। अब आते हैं जो हमारा जुलाई 20 का जीएसटीआर 2B है, उसको चेक करते हैं कि क्या उस वाले फिगर में यही अमाउंट आ रहा है या नहीं। इसके लिए मैं आपको फिर से लेकर के चलता हूं जो हमारा रिटर्न डैशबोर्ड है उसके अंदर, और देखेंगे हमारा जो जीएसटीआर 2B है
जुलाई महीने का, उसके बाद आप अगस्त का भी चेक कर सकते हैं, आपको फिगर जो है वो मैच मिलती दिखेंगी। ये मैंने ओपन कर लिया है रिटर्न डैशबोर्ड, और जो हमारा GSTR 2 भी है ये मैंने ओपन करा है जुलाई 2020 का। यहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो फिगर है इंटीग्रेटेड टैक्स 3,32,294.32, यही फिगर आपको कंपैरिजन टूल में दिखाया जा रहा है। 3,32,294 रुपए का जो फिगर है वही फिगर आपको यहां पर टैक्स लाइबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन वाले सेक्शन में जुलाई 20 का जो महीना है उसमें दिखाया जाएगा, क्योंकि 2B के बेसिस पे डेटा अब रिफ्लेक्ट होगा। ये आप देख रहे हैं एज पर GSTR 2A एंड 2B जो है जुलाई महीने में दिखा रहा है 3,32,294। अब 2B के अंदर जो डेटा हमारे पास आया है वो B2B invoices, B2B amendment invoices, credit and debit note and credit debit note amendment से related data लेकर के आ रहा है, तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने दोबारा से ओपन कर लिया है अपना GSTR 2B जो हमारा जुलाई 2020 का है। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि रिवर्स चार्ज अगर आपके किसी इनवॉइस के अंदर, लेट सपोज ये B2B invoices है, B2B का amendment है, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स है, उन सारे फिगर्स को एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बनेगा वो आपको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो B2B इनवॉइसेस है इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर कोई रजिस्टर्ड रिवर्स चार्ज वाली एंट्री होगी, यानी कि अगर आपने किसी ऐसे ट्रांसपोर्टर से इनवर्ड सप्लाईज लिया है जो कि रजिस्टर्ड तो है लेकिन आपकी लाइबिलिटी है उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पेमेंट करने की, और उसने जो अपनी GSTR 1 फाइल करी है उसने टिक किया है रिवर्स चार्ज सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज वाले सेक्शन में, अगर यस आ रहा होगा तो आपका 2B में वो डेटा रिफ्लेक्ट तो करेगा लेकिन जो कंपैरिजन टूल है उसके अंदर वो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला। वहां पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर इस चीज को कर दिया है कि एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज। तो B2B इनवॉइसेस के अंदर रिवर्स चार्ज वाला जो सप्लाई है उसको हटा देना है, और उसके अलावा जो भी क्रेडिट आपको दिखेगा उन सारे क्रेडिट्स को आप कंपैरिजन टूल में देख सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क इस 2B के वजह से जो है वो निकल के आ रहा था। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि GSTR 2B का डेटा कंपैरिजन टूल में आने की वजह से जो हमारा टैक्स कंपैरिजन का सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज हो चुका है। 2A जून तक और उसके बाद जुलाई 20 से 2B के बेसिस पे आपको डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि कंपैरिजन टूल में जो डिफरेंस आ रहा है उसका क्या कारण है, और अब 2B का डेटा जो है वो कंपैरिजन टूल में किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।